कोरोना संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम गहलोत बैठक लेंगे बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। इस बैठक में चर्चा होगी दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, फैसला यहां पर होगा। विश्वविद्यालय से जुड़ी परीक्षाओं पर भी फैसला यहां पर लिया जाएगा। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। कोरोना के बीच सीएम शिक्षा को लेकर भी गंभीर हैं। विश्वविद्यालयों से जुड़ी परीक्षाओं पर भी फैसला यहां पर किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच शिक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। इस बैठक में चर्चा होगी। पिछले लंबे समय से हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स अपने घर पर हैं। दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर यह फैसला होगा। इस बीच हालांकि दूरदर्शन पर और आकाशवाणी पर स्लॉट भी मिले ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो किसी प्रकार से बाधित ना हो, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं। किस प्रकार से उनकी परीक्षाएं करवाई जाएगी इसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा। और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका फोन लाइन पर फिलहाल मौजूद हैं। पिंटू, क्या चर्चा इस बैठक में होने के आसार दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, काफी समय से बच्चे घर पर हैं और इस बीच आकाशवाणी पर भी स्लॉट मिला, दूरदर्शन पर भी मिला, लेकिन अब दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इस बैठक में फैसला होगा। विश्वविद्यालयों से जुड़ी परीक्षाओं का भी यहाँ पर फैसला किया जाएगा, और क्या चर्चा यहाँ पर प्रस्तावित? देखिए मनीषा, जो कोरोना महामारी है उसके चलते लॉकडाउन देशभर में लागू है, लेकिन जब दसवीं और बारहवीं के एक बोर्ड एग्जाम होने थे वो उस वक्त कोरोना की शुरुआत हुई और इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था कि जब कोरोना पर नियंत्रण होगा उसके बाद परीक्षाएं करवाई जाएगी। हालांकि जो दूसरी जो क्लासें थी, प्राइमरी जो क्लासें थी, नवी ग्यारहवीं की और जो दूसरी क्लासें थी, उनके स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया था अगली क्लास के लिए, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित किया गया था। अब कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगातार जारी है, दो महीने का समय खत्म हो चुका है और सामने जुलाई से नया सेशन शुरू होगा, तो ये लग रहा है कि किस ना किसी तरीके से जल्द ही इन परीक्षाओं को करवाया जाए ताकि छात्रों को अगला जो सेशन होगा उसमें किसी प्रकार से कोई पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो और छात्रों का जो अध्ययन का है रूटीन वो नहीं बिगड़े। पहले गहलोत ने, जब सीएम गहलोत ने मीटिंग ली थी शिक्षा विभाग की, तब ये आदेश दिए थे कि जब केंद्र सरकार से जो गाइडलाइन आएगी, क्योंकि कोरोना इस महामारी, इस लॉकडाउन के बीच में जो गाइडलाइन केंद्र सरकार जारी करती है उसी के अनुरूप उसकी पालना की जाती है, तमाम जो फैसले लिए जाते हैं वो केंद्र की गाइडलाइन के तहत लिए जाते हैं। लेकिन जब केंद्रीय सरकार ने ये कहा कि अब जो परीक्षाएं हैं वो राज्य अपने स्तर पर करवाएं, उसके बाद में सीएम गहलोत ने आज एक शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई परीक्षाओं को लेकर की परीक्षाओं की उनकी क्या तैयारी है शिक्षा विभाग की और किस प्रकार से एग्जाम करवाए जाएंगे। हालांकि ये बैठक 11:30 बजे होनी थी मनीषा, लेकिन कुछ कारणों से इसको पोस्टपोन कर दिया, तो दोपहर बाद में ये बैठक होगी और जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो वीसी से जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज कहीं ना कहीं दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला हो सकता है कि कब ये करवाई जाएगी और कैसे करवाई जाएगी, क्योंकि जुलाई से सेशन शुरू होना है और तमाम जो कॉलेज की परीक्षाएं हैं वो भी अभी नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब जल्द ही परीक्षाओं को करवाया जाएगा और पढ़ाई जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं छात्रों की डिस्टर्ब नहीं हो, उन तमाम तैयारियों को लेकर आज सीएम गहलोत अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे कि क्या उन्होंने रोडमैप तैयार किया है परीक्षाओं को लेकर और आवश्यक जो दिशा निर्देश देंगे, अगर उनमें कुछ बदलाव होने की संभावना होगी तो बदलाव किया जाएगा और नहीं तो कोई जो भी खाका तैयार किया है परीक्षाओं को करवाने को लेकर, क्योंकि अभी जो जिस प्रकार की कोरोना महामारी के जो मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय भी है, ऐसे में सरकार कोई लापरवाही भी नहीं बरतना चाहती, तो तमाम सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ही परीक्षाएं करवाई जाएगी। माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने अपना पूरा खाका तैयार कर लिया है कि किस प्रकार से परीक्षाएं करवाई जाएगी और क्या सावधानी रखेंगी, उसी को लेकर आज वो सीएम गहलोत के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और अशोक गहलोत आज परीक्षाओं की तिथियों को फाइनल कर सकते हैं। जी मनीषा जी बिल्कुल, पिंटू अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे जैसे ये बैठक होगी। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें दसवीं और बारहवीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, साथ ही विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं रुकी हुई हैं उनको लेकर इसमें चर्चा होगी।